हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मनी वीडियो और आप देख रहे हैं इनॉर्मेशन बाईे और हूं आपका इफॉर्मेशन एक्सपर्ट हम आपके लिए लाते हैं नर्सिंग से जुड़ी सभी तरह की इनफॉमेन सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ प्रेस ही बेल बटन नोटिफिकेशन से जुड़ी पी देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल इन्फॉर्मेशन बाईेक पर अगर वो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ये जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल न्यू दिल्ली की तरफ से रहने वाली हैं हम अपने वादे के अनुसार आपके समक्ष एस एस बी की पूर्ण जानकारी लेकर आ चुके हैं जैसे कि हमने आपसे कहा था कि जब इसकी एडवर्टीज़मेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ होगी तो हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि हम किस तरह इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन, कम्युनिकेशन पाइनियर एंड इन स्टाफ नर्स के लिए आप देख सकते हैं इसमें इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते वैकेंसीज़ द डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ आर अंडर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए इसमें टोटल उनतीस पोस्टें रहने वाली हैं आनेसो कैटेगरी के लिए तेरह ई डब्ल्यू एस के लिए दो ओ बी सी के लिए सात एस सी के लिए छः एंड एस टी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट इसमें रहने वाली है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना होगा आप हमारे साथ अंत तक बने रहें हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि आप किस तरह इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने वहाँ प्रोवाइड करा रखा है आप वहाँ से जाके इनकी डायरेक्ट अप्लाई लिंक पर जा सकते हैं सैलरी जो रहने वाली है वो सेवन सी के अकॉर्डिंग रहेगी पे स्केल आपका जो रहेगा वो लेवल सिक्स का रहेगा पैंतीस हज़ार चार सौ से लेकर एक लाख बारह हज़ार चौ चार सौ रुपये तक आपकी सैलरी इसमें रहेगी आपको इसमें अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें आपको मिलेगा राशन मनी अलाउंस वॉशिंग अलाउंस एंड अदर अलाउंस इसमें जो एस एस बी के होंगे आपको टाइम टू टाइम एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इसमें मिलते रहेंगे और नेशनल पेंशन स्कीम के भी अंतर्गत आप इसमें कवर्ड होंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग सब इंस्पेक्टर यानी एस स्टाफ नर्स फीमेल के लिए मिनिमम एज इसमें ट्वेंटी वन ईयर्स एंड मैक्सिमम एज थर्टी ईयर्स इसमें दे रखी है जीएनएम कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बी एस एंड पोस्ट बी कैंडिडेट आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ आप रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको मिनिमम टू ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिकनाइज हॉस्पिटल का एप्लीकेशन सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो रहेगी अट्ठारह छः दो हज़ार तेईस तो आप समय से ही इसको फिल कर दीजिए क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है एग्जामिनेशन फीस देख लेते हैं हम लोग अन्यज़र ई डब्ल्यू एस एन ओ बी सी के डिग्री के लिए इसमें एग्जाम फीस टू हंड्रेड रुपीज़ रखी गई है जो कि आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के थ्रू सबमिट कर सकते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी एस सी एस टी एक्स सर्विस मैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है तो बेसिकली स्टाफ नर्स के लिए इसमें कोई फीस नहीं है तो आप इसका पेमेंट करके और इसको एप्लीकेशन को फिल ज़रूर कीजिएगा अप्लाई करने से पहले आप इनकी जो वेबसाइट है एडवर्टीज़मेंट से रिगार्डिंग आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं www.ssbrec.t.gov.in आप अप्लाई करने से पहले इस लिंक पर जाकर फुल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस इसमें दे रखी है पार्ट वन और पार्ट टू के इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइडेड किया गया हुआ है तो आप इसको चेक कर सकते हैं अगर मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो समय का अभाव है और हम चलते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो भी हम देख लेते हैं रिपोर्टिंग टू रिक्रूटमेंट वेन्यू देख लेते हैं हम लोग इसमें आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा एस रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर जाकर वेन्यू और पेट्स पी एस टी रिटर्न एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट टेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन से जो रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको उसी पर मिल जाएगी और आपको वेन्यू पर जब आप जाएंगे एडमिट कार्ड विद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आप साथ में लेकर जाएं अगर आप ये चीज़ साथ में लेकर नहीं जाएंगे तो आपको ये अलाउ नहीं करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग आपको अपना एडमिट कार्ड इनकी जो वेबसाइट है एस रिक्रूटमेंट पर जाकर आपको डाउनलोड करना होगा और रिक्रूटमेंट वेन्यू पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको बायोमेट्रिक देना होगा अटेंडेंस के लिए डिजिटल फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थम इम्प्रेशन भी आपको देना होगा वहाँ पर तो आप इसको फॉलो करें ऐसे स्टाफ नर्स के लिए इसमें पी यानी फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट हैं तो इनके लिए हम चेक कर लेते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट ब्लॉगिंग वन एंड टू बिलो अगर आप इन दोनों कॉलम्स में नहीं आते हैं तो आपका आ, जो हाइट होनी चाहिए वो 157 फिफ्टी होनी चाहिए और अगर आप गढ़वालीस हैं कमायनीस हैं और गोरखास हैं दोगराज हैं मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिज़ोरम मेघालय आसाम हिमाचल प्रदेश यूटी ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी लद्दाख के अगर कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपकी हाइट जो होगी सेंटीमीटर्स में वो वन फिफ्टी सेंटीमीटर्स होनी चाहिए अगर आप बिलोंग करते हैं एस टी कैटगरी से तो आपकी जो हाइट रहेगी वो वन फिफ्टी सेंटीमीटर्स इसमें रखी गई है अगर आप पी एस टी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सी ई टी आपका होगा जो तीन घंटे का रहेगा ड्यूरेशन उसका और उसमें वन फिफ्टी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि जनरल नॉलेज मैथमेटिक्स रीजनिंग जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी एंड टेक्निकल सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे 50 नंबर्स के आप के जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स रीजनल एंड जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के आएंगे क्वेश्चंस एंड पार्ट टू में आपका हंड्रेड मार्क्स का होगा जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपका होगा हो, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी इसमें जनरल ई डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी एंड एक्स सर्विस मैन के लिए इसमें फिफ्टी परसेंट आपको पासिंग मार्क्स लेकर आने होंगे फॉर एस सी एंड एस टी कैंडिडेट्स के लिए इसमें फोटी फाइव परसेंट uh, मार्क्स इसमें आपकी होनी चाहिए चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और देख लेते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर हम किस इस तरह इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो हम चलेंगे अब अपने क्रोम पर और गूगल पर हम सर्च कर लेंगे एस एस बी तो आप ऊपर देख सकते हैं एस एस बी आर ई सी टी टी डॉट जी ओ वी डॉट इन इनकी जो वेबसाइट है वो आ चुकी है इस पर हम लोग एंटर करेंगे तो ये हमको अपनी मेन वेबसाइट पर इसने रिडाइरेक्ट कर दिया है अप्लाई ऑनलाइन आप देख सकते हैं मेन उस पर ही आ रहा है फ्रंट पेज पर पे इसके और जो सेकेंड नंबर की जो पोस्ट है अप्लाई फॉर द पोस्ट सब इंस्पेक्टर इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमको अपने सेकंड पेज पर रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर हम अप्लाई कर सकेंगे आप इस वक्त देख सकते हैं हमारे सामने विंडो खुली हुई है और इस पर हम के अप्लाई बटन आपको दिख रहा होगा एडवर्टीजमेंट आपके सामने है अप्लाई बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड डेट देखिए इस पे देख रहे हैं 18 छः 2023 इस पर हम क्लिक करेंगे अप्लाई बटन पर तो ये हमको डिडायरेक्ट करेगा अपने रजिस्ट्रेशन डिवीज़न सेक्शन पर इस पर हम लोग को पहले रजिस्टर्ड करना होगा फिर देन लॉग करेंगे और उसके बाद हम इस पर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं इस पर आप देख सकते हैं एडवर्टीज़मेंट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट इस पर हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर इस पर पूर्ण जानकारी इस पर इसमें दे रखी है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप इस पर जाकर आप देख सकते हैं इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर कर अप्लाई कर सकते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा आई होप मेरी द्वारा दी हुई जानकारी से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक अप्लाई करने से पहले आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से रीड कर लीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉमेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद